25 नवंबर सन 1915 विज्ञान जगत के कुछ क्रांतिकारी दिनों में से मौजूद एक ऐसा दिन जिसने ना सिर्फ 250 सालों से चली आ रही ग्रेविटी की इनकम्प्लीट थ्योरी को बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, क्योंकि उस दिन जीनियस सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना रिसर्च पेपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया था, जिसने ग्रेविटी के काम करने के मैकेनिज्म को बताकर ग्रेविटी की थ्योरी को कम्प्लीट कर दिया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर आगे चलकर कई थ्योरीज का निर्माण हुआ। इन्हीं थ्योरीज में से एक थी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, जिसने आगे चलकर एक ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रेडिक्शन किया जिसका अस्तित्व इसी साल 10 अप्रैल को प्रूव हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स की, जो कि लगभग 100 सालों से सवालों के घेरे में था। मगर उस समय भी ब्लैक होल्स के स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन होते हुए भी खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ही ब्लैक होल में बिलीव नहीं करते थे, जबकि उनकी खुद की थ्योरी ही ब्लैक होल का प्रेडिक्शन करती थी और खुद आइंस्टाइन भी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के सपोर्ट में थे। फिर आखिर क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन ही ब्लैक होल में बिलीव नहीं करते थे? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों आइंस्टाइन अपनी ही थ्योरी से प्रेडिक्ट किए हुए रहस्यमय ब्लैक होल्स में नहीं मानते थे और कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने इन राजों को सुलझाया। आइए जानते हैं। सो हेलो गाइज, विद गौरव, यू आर वॉचिंग यूनिवर्स इन माइंड। सो लेट स्टार्ट। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1916 से, जब वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने रिलेटिविटी के आधार पर अपनी थ्योरी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस दी थी। अगर आप श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यह किसी भी ऑब्जेक्ट का वह मिनिमम रेडियस होता है जिससे छोटा होने पर उस ऑब्जेक्ट से लाइट भी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का रेडियस लगातार घटता जाता है जबकि उसके मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जिस कारण उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही स्पेस टाइम फाइबर लगातार गहरा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब उसमें सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन का निर्माण होता है। थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट को ही ब्लैक होल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे सन का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस 3 किलोमीटर होता है, यानी कि हमारे इतने बड़े सन को अगर हम कंप्रेस करके सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में सीमित कर दें तो सन एक ब्लैक होल बन जाएगा जिसकी अपनी सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन होंगे। मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात को नहीं मानते थे, हालांकि वह श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के सपोर्ट में थे और वह मानते भी थे कि रिलेटिविटी के मुताबिक एक ऐसा ऑब्जेक्ट ज़रूर बन सकता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, मगर कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी एक ट्रू ब्लैक होल नहीं बन सकता। उनका मानना था एक ट्रू ब्लैक होल जिसकी सिंगुलैरिटी हो वह सिर्फ न्यूटोनियन फिजिक्स के आधार पर ही बन सकता है, जिसके मुताबिक स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट होते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में ही अपने श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में सिमट जाएगा और अपने सेंटर में सिंगुलैरिटी बना लेगा जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होगी और हमें एक ट्रू ब्लैक होल देखने को मिलेगा। पर रिलेटिविटी से हमें यह पता है कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होते हैं, और स्पेस टाइम पूरे यूनिवर्स में एक फाइबर की तरह होते हैं जिस पर हमारे सभी प्लैनेट और स्टार रखे होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट उस फाइबर में जितना ज़्यादा अंदर धंसा होता है उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद ऑब्जर्वर के लिए समय के बीतने की गति भी अलग अलग होती है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट लगातार कोलैप्स हो रहा है, इसीलिए वह ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम फाइबर के भी लगातार अंदर जाता जाएगा और उसकी ग्रेविटी भी लगातार बढ़ती जाएगी। तब वह ऑब्जेक्ट इतना डेंस हो जाएगा कि खुद लाइट भी उस ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं आ पाएगी। अब क्योंकि लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो हमारे लिए यह कहना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वह ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में ही एक ब्लैक होल बन चुका है, बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि उस ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इसीलिए ब्लैक होल कभी नहीं बनेगा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बस उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक ही कोलैप्स कर सकते हैं। अगर आप अब तक इसे नहीं समझ पाए तो चलिए इसे एक आसान से उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। हमें पता है कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है और दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अलग अलग दूरी पर खड़े ऑब्जर्वर को भी वह घटना अलग अलग समय पर ही दिखेगी। अब मान लीजिए दो ऑब्जर्वर है जिनमें से पहला ऑब्जर्वर मैं हूँ जबकि दूसरे ऑब्जर्वर आप है। अब अगर मैं उस ऑब्जेक्ट में मौजूद हूँ जो लगातार अपने सेंटर की ओर कोलैप्स हो रहा है और उस समय मैं उस ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर में कोलैप्स होते देख रहा हूँ और आप अर्थ पर इसी घटना को टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं, तब हम दोनों ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होने के कारण हमारे लिए समय भी वैसे ही बीतेगा। अब जब वह ऑब्जेक्ट कोलैप्स हो चुका है तब वहां से निकलने वाली लाइट मुझ तक पहले पहुंच जाएगी, जिसके कारण मेरे लिए वह ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में ही एक ब्लैक होल बन चुका होगा, क्योंकि ब्लैक होल बन जाने के बाद लाइट वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएगी, इसीलिए आप तक वह कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, जिस कारण आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वह ब्लैक होल को बनने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है।
यही कारण है कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्लैक होल में बिलीव नहीं करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो अकेले साइंटिस्ट नहीं थे जो ब्लैक होल में बिलीव नहीं करते थे। उनके अलावा सर पॉल डेरेक, सर नेथन रोजन और सर आर्थर एडिंगटन जैसे साइंटिस्ट भी इन्हीं कारणों के चलते ब्लैक होल में नहीं मानते थे। आगे चलकर साल 1998 में एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर आभास मित्रा ने अपनी थ्योरी एको के माध्यम से इस बात को काफी डिटेल में बताया है। एको यानी कि एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है सदा कोलैप्स होते रहने वाला एक ऑब्जेक्ट। इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने काफी अच्छे से दर्शाया है कि आखिर कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता। मगर जब डॉक्टर आभास मित्रा और बाकी महान साइंटिस्ट भी ब्लैक होल के विरोध में थे, फिर आखिर क्यों ब्लैक होल को सच माना गया? असल में इसके पीछे दो कारण हैं। साल 1939 में दो अमेरिकन फिजिसिस्ट ने डस्ट के माध्यम से यह शो किया कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के कोलैप्स होने के कारण एक फाइनाइट टाइम में ही सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन का निर्माण हुआ। हालांकि डस्ट एक ऐसी चीज है जिसका अपना कोई भी प्रेशर नहीं होता, मगर इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। उसके बाद साल 1965 में उस समय के जाने माने फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज ने ग्रेविटेशनल कोलैप्स को स्टडी करने के दौरान मैथमेटिकली ये प्रूफ किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार कोलैप्स करता है तो वह एक फाइनाइट टाइम में ही सिंगुलैरिटी बना लेगा। साथ में वह एक ऐसा वन वे ट्रैप डोर की बाउंड्री बनाएगा जिससे खुद लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ये इवेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट था। यह कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली सही प्रूव हुआ, इस कारण ब्लैक होल को हमने मान लिया। ब्लैक होल सच में होते हैं या नहीं, यह सवाल तो हमेशा बना रहेगा। मगर आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यूनिवर्स की कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आता रहूँगा यूनिवर्स की कई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए गुड डे।